please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया। जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे। उस समय के हिंदुस्तान के हालात में किसी का भी रुक जाना, ठहर जाना, झुक जाना स्वाभाविक था, लेकिन ये अटल थे। बीजेपी का बीज रोपने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी को देश की राजनीति के शीर्ष पर ले जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, कोटि कोटि आपन हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये वो नाम है जो बीजेपी की शून्य से शिखर तक की यात्रा में साथ साथ चले। आज जब बीजेपी अपने इतिहास में सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी है, तब अटल जी अनंत यात्रा पर निकल गए। अब स्मृतियां शेष है, उनकी राजनीतिक विरासत शेष है और पीछे छूट गई है देश के प्यारे नेता के लिए उमड़ रही भावनाएं। अटल जी के सम्मान में देश भर में उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। अस्थि कलश की यात्रा पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। देश के एक एक नागरिक का उनकी पवित्र स्मृति पर अधिकार है। अटल जी अस्थि कलश यात्रा। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा जिन जिन शहरों और इलाकों से निकल रही है, लोगों का हुजूम यात्रा में उमड़ रहा है। बीजेपी के लिए यह शुभ संकेत है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ताल ठोकने की रणनीति बना रही थी, अब अटल जी के लिए सम्मान और सहानुभूति की लहर भी उसके हक में खड़ी हो रही है। यूं तो बीजेपी की सियासत के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने के बाद बीजेपी के पोस्टर का सितारा बन गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की ये अस्थि कलश यात्रा अटल जी के लिए सम्मान का प्रदर्शन तो है ही, इसके साथ साथ बीजेपी की कोशिश ये भी है कि देश भर में अपने नेता के लिए उमड़ी देश की भावनाओं को वोट में तब्दील किया जा सके, और बीजेपी की इसी मंशा पर विवाद खड़ा हो गया है। अटल जी के प्रति जब से वो अस्वस्थ हुए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी उनको मान सम्मान नहीं दिया। आज कांग्रेस नेता और कभी बीजेपी से जुड़ी रही अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम का उपयोग करना वो भूल नहीं रहे हैं, उन्हें उस बात पर कोई लज्जा और शर्म भी नहीं आ रही है। जो 5 किलोमीटर उनकी और अमित शाह जी 5 किलोमीटर उनकी शव यात्रा के साथ पैदल चले, तो आपके माध्यम से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अटल जी के आदर्शों पर ये दोनों 2 कदम तो चलें। उनके क्षेत्र में जब वो कलश आता है तो वो सम्मान से दर्शन तो कर सकती हैं। हर देश का बच्चा जब चाचा जी को चाहता है, वाजपेयी जी को चाहता है, अटल जी को चाहता है, तो इसमें करुणा को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बीजेपी के शिखर पुरुष और सबसे पहला चेहरा रहे अटल जी अस्थि विसर्जन यात्रा में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, जिसे बीजेपी अपने लिए भावनात्मक फायदे के तौर पर देख रही है। शहर शहर अटल जी के नाम पर नारे लगाए जा रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है।
कांग्रेस और विपक्ष इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब से थोड़ा बेचैन जरूर है, इसीलिए इस यात्रा पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो रहा है। सारे देश को मालूम है कि जो दो लोग अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनका कोई विश्वास अटल जी के नेतृत्व में कभी नहीं रहा। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अस्थियों को घुमा रहे हैं, इसका मतलब पूरी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए ये काम कर रही है। राजनीतिक क्षितिज पर केवल शिखर पुरुष नहीं थे, महामानव थे। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया ने आज जिस दिन उनकी मौत की खबर हुई शोकाकुल हुआ, अखबारों ने लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री 6 साल रहा, निष्कलंक प्रधानमंत्री, एक भी छोटा भी कोई कलंक का दाग उनके ऊपर नहीं था, ऐसा प्रधानमंत्री लोग देश में देखा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के लिए ये विषय सम्मान और अटल जी की शख्सियत में आस्था का तो है ही, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस यात्रा के साथ बीजेपी के राजनीतिक फायदे भी जुड़े हुए हैं। चुनाव का मौसम है, तो चूंकि अटल जी की स्वीकार्यता हर क्षेत्र में थी, तो जाहिर है कि वो अटल जी के जो अटल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनके प्रशंसकों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको संबोधित करने का एक तरीका। बीजेपी अटल जी की अस्थि विसर्जन यात्रा को सब राज्यों से जोड़ रही है। इसकी वजह है कि पार्टी अटल जी के नाम पर एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो हालांकि अटल जी का नाम ही मार्गदर्शक मंडल में था, लेकिन चूंकि अटल जी 10 साल से तो बीमार थे ही, 2008 के बाद तो किसी पब्लिक प्रोग्राम में आए नहीं, तो मुझे लगता है कि वो संदेश ये देना चाहते हैं कि अटल जी हमारे जो हैं अन्य मार्गदर्शकों की तरह नहीं हैं, अटल जी हमारे नेता हैं। हमारे देश की राजनीति में महापुरुषों का खासा महत्व है। अब तक कांग्रेस अपने नेताओं को विकास के प्रतीक और महापुरुषों के तौर पर स्थापित करती आई है। एक समय था जब लगातार कांग्रेस की सरकारें बन रही थी, तब गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कॉलोनियों, सड़कों, योजनाओं, यहां तक कि कस्बों के नाम रखे जाने लगे। बीजेपी एक लंबे समय तक कांग्रेस के इस नामकरण की राजनीति का विरोध करती रही है, लेकिन अब अपने बड़े नेता वाजपेयी की मौत के बाद बीजेपी भी नामकरण की राजनीति में कांग्रेस की ही राह पर जाती दिख रही है। बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें अपनी योजनाएं अटल जी के नाम पर कर रही हैं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नाम बदलकर अटल के नाम पर किए जा रहे हैं। इससे ये तो साफ है कि बीजेपी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है। तब तक सूरत नाम रहेगा। जो नेहरू का महत्व कांग्रेस में है, वही अटल बिहारी वाजपेयी का महत्व बीजेपी में है। ये अलग बात है कि नेहरू की फ्रीडम मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी और इनकी पार्टी का जो विरासत है वो फ्रीडम मूवमेंट का में उसमें कोई योगदान नहीं। जेएनयू में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करने का फैसला किया गया है। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे का नामकरण अटल जी के नाम पर किया गया है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार पहले ही अटल जी के नाम पर कई योजनाएं शुरू कर चुकी है। इन योजनाओं के अलावा भी कई राज्यों में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजनाएं शुरू की गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रतीक पुरुष हैं, और वो अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को अटल बिहारी वाजपेयी से गौरव का अनुभव कराना चाहते हैं तो कराएं। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर तो हर शहर में, हर जिले में कुछ न कुछ है, लेकिन आज के कांग्रेसी लोग जवाहरलाल नेहरू को, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से कई मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते रहे। अब जबकि 2019 का चुनाव करीब है, तो अस्थि कलश यात्रा उसी तरह निकाली जा रही है जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्थि कलश यात्रा देश भर में निकाली गई थी।
बताएंगे, उनको बताना चाहिए, उनका स्वधर्म है। अगर विरोधी हथकंडा नहीं बताते, और ये लोग थोड़ा ज्यादा कर भी रहे हैं, अब बताइए एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और सैकड़ों पता नहीं कितने कलश लेके घूम रहे हैं। इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था तो उनकी भी अस्थियां लेके घूमे थे लोग, तो उस वक्त विपक्ष ने हथकंडा बताया था, तो वो हथकंडा तुमने किया तो ये भी कर। इन सब कारणों के साथ साथ एक और अहम कारण जिसके लिए बीजेपी अटल जी के नाम को आगे बढ़ा रही है, 2014 चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीता गया था, लेकिन इस बार चुनौती 2014 से जरा बड़ी है। जब से राज्य स्तर पर मोदी विरोधी दलों के गठबंधन की कोशिशें शुरू हुई हैं, अमित शाह कैंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में बीजेपी को अगर 2019 में सरकार बनानी है तो न सिर्फ क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बढ़ाना होगा बल्कि पुराने सहयोगियों को साथ में जोड़े रखना होगा। यानी मतलब साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी को गठबंधन धर्म वाली अटल नीति पर चलना होगा। इस समय बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने चुनौती ये है कि उसके सहयोगी या तो साथ छोड़ रहे हैं या फिर हमले कर रहे हैं, जबकि सपा, बसपा, आरजेडी, शिवसेना और इनेलो जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियां अपना सियासी वजूद बचाने के लिए एक साथ जुटने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अटल जी का नाम फायदेमंद साबित हो सकता है। कश्मीर में मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला अटल जी के साथ आ जाते हैं तो वहां सरकार बन जाएगी, लेकिन उससे लोकसभा के चुनाव में बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा। कश्मीर की स्थिति डिफरेंट है और मुझे नहीं लगता कि इनके विरोध में जो शक्तियां एक हो रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दलों को भी साथ कर रखा था जो विरोधी कहलाते थे। उनके समय में एनडीए के संयोजक समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस थे। अटल जी ने मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता को एक साथ साध लिया था, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि ये तीनों बड़ी छत्रप नेताओं सहित समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसे बड़े दल भी इस बार बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा 45 पार्टियां एनडीए से जुड़ी हुई हैं, फिर भी क्षेत्रीय दलों को जोड़े रखने की चुनौती ज्यादा है। इसके लिए अटल जी का नाम काम आ सकता है। अटल जी के नाम पे एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि अटल जी भाई पूरा जीवन उन्होंने यही पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा जीवन उनका बीत गया, तो पार्लियामेंट के वो मतलब पार्लियामेंट के एक अस्थाई निवासी थे। बीजेपी ने अपने नए संभावित साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी का लक्ष्य दक्षिण भारत के राज्य और पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा सीटें हासिल करना है। जब से यूपी में सपा बसपा ने हाथ मिलाया है तब से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की ये कोशिश है कि छोटे से छोटे दलों को भी अपने साथ जोड़े रखा जाए। शाह ने यूपी में मिशन 74 का नारा दिया है, लेकिन ये गठबंधन बिना संभव नहीं है। ऐसे में अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को जोड़कर रखने की कोशिश है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की तरह घोर विरोधी विचारधारा वाले दलों को भी साथ लाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है। एनडीए में इस वक्त 45 दल हैं, लेकिन बीजेपी ने नए साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाइयों से कहा है कि वो नए दोस्तों की संभावित सूची तैयार करें। एनडीए के कुनबे को और मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तरह गठबंधन धर्म निभाकर उन छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश भी हो रही है जो नुकसान की भरपाई कर सकने लायक हो। इसके लिए बीजेपी को छोटे दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे और दिल दोनों खुले रखने होंगे, क्योंकि 2019 में 2014 जैसी सफलता आसान नहीं है। अंदेशा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम रह सकती है। इसके लिए अमित शाह ने प्लान बी तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। उनके निशाने पर सूबे की सरकार है और टारगेट वोट है हिंदू। मैं गारंटी देता हूं एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डंके की चोट पर दुर्गा विसर्जन होगा और सरस्वती की पूजा होगी। अटल जी की अस्थि विसर्जन यात्रा भी बंगाल में खास तैयारी के साथ निकाली गई। पश्चिम बंगाल में कुल 5 जगहों पर अटल जी का अस्थि विसर्जन तय हुआ। इस यात्रा में उमड़ी भीड़ से बीजेपी को उम्मीद भी जागी है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, ओडिशा में बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इससे यूपी और बिहार में सीटों के घाटे की पूर्ति हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए ओडिशा में
बीजेडी को साधने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण में YSR कांग्रेस जैसे नए साथी को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में जिसकी भी सरकार होगी, अब जैसे एआईएडीएमके इनके साथ थी, अब डीएमके वहां अगर जीती तो वो इनके साथ आ जाए, दिक्कत नहीं। जिसकी सरकार होगी उसके साथ आ जाते हैं, YSR कांग्रेस के साथ भी यही है, तो इसलिए वो चिंता नहीं है। असली चिंता ये है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है उड़ीसा में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पार्टी नहीं है इनकी। बीजेपी 2019 के रणनीति और राजनीति तैयार करने में पहले से लगी है। अब अटल जी की विदाई के बाद 2019 में मोदी के चेहरे के साथ साथ उनके नाम का भी सहारा लिया जाएगा।